सीईओटी 2022 लगातार खत्म होने की कगार पे है। हालांकि ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे जो है एडमिशन अभी भी चल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की पहले की अगर अपन कुछ बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में जो अप्लीकेशन फॉर्म है यूजी एंड पीजी के लिए ऑलमोस्ट 15 अक्टूबर तक जो है चला था। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने जो है मेरिट लिस्ट बच्चों को रिलीज की। हालांकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की सबसे अच्छी बात ये रही कि इनका सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहा। जिन भी स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ने, यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने, यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने, एडमिशन डिपार्टमेंट ने स्टूडेंट की बहुत ही ज़्यादा सहायता की। इंडिविजुअल स्टूडेंट को ईमेल डाले गए रिगार्डिंग द एडमिशन कि आपको कोई भी कंसर्न हो, कोई भी इश्यू हो, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी का जो सपोर्ट है वो बहुत अच्छा रहा। यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट को एक ये इशू फेस करना पड़ा था कि यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फीस बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण स्टूडेंट ने बहुत ही कम इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाया और बहुत ही कम दिलचस्पी रही स्टूडेंट की। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 18 नवंबर 2022 तक यूनिवर्सिटी ने अपने यूजी एंड पीजी के अंदर दो राउंड कंडक्ट कर दिए हैं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप अगर विजिट करते हैं अभी तो बहुत सारे स्टूडेंट को अभी ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है, जिसके अंदर आपको जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको इंडिविजुअल ईमेल डाला जा रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से। अभी की आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्पोर्ट राउंड स्टार्ट हो चुका है स्पेशली बीटेक पीजी कैंडिडेट के लिए। यूनिवर्सिटी के अंदर यूजी एंड पीजी सीओटी 2022 के लिए दो राउंड कंडक्ट हो चुके हैं, लेकिन आपको टिल 22 नवंबर तक आपका स्पोर्ट राउंड या फिर थर्ड राउंड नोटिस रिलीज कर दिया जाएगा। हालांकि यूनिवर्सिटी का जो सेमेस्टर एंड टाइमिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो ये आशंका जताई जा रही है कि यूनिवर्सिटी अभी ऑफलाइन या फिर फिजिकल राउंड इनेबल कर सकती है, जैसा कि बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने किया है। आपको अपने डॉक्यूमेंट एंड अपनी फीस लेके यूनिवर्सिटी के कैंपस पहुँचना होगा। हालांकि यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ही कम बच्चों ने रजिस्टर किया है, जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फीस बहुत ज़्यादा हाई था, तो ये हो सकता है कि यूनिवर्सिटी जो अपने एप्लीकेशन है वो सभी बच्चों के लिए ओपन कर दे। जिन भी बच्चों ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में अप्लाई नहीं किया है, हो सकता है वो भी अपने मार्क्स के बेसिस पे डायरेक्टली यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आ सकते हैं। एंड ऑलमोस्ट 2 राउंड सीईओटी के कंडक्ट हो चुके हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको स्पोर्ट राउंड के रिगार्डिंग नोटिसेस वगैरह आने को जल्दी मिल सकते हैं। अभी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने गेट स्पोर्ट राउंड रिलीज कर दिया, जिसके अंदर आपने अगर एंट्रेंस एग्जाम दिया है गेट का स्पेशली इन सीएससी ब्रांच तो आप एडमिशन ले सकते हैं एमटेक अंदर अदर कोर्सेज के लिए। हालांकि एमबीए एंड जस्ट लाइक एमएससी एंड इंटीग्रेटेड कोर्सेज एंड अदर के लिए आपको सीओईटी का एग्जाम देना पड़ता है। इस प्रकार से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का प्रोसेस शुरू होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अभी तक एडमिशन नहीं मिला है और अगर वो गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो काफ़ी सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर विभिन्न सीटें कुछ वैकेंट आपको देखने को मिल सकती है। तो इन सब इश्यूज को देखते हुए आप नीचे डिस्क्रिप्शन नंबर में व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो या फिर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, अपनी क्वारी साझा करते हो हमारे साथ। और भी आप लोगों को कोई अगर परेशानियों का सामना करना पड़ा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। Thank you so much.